फ्रेंड, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेरीज़ के बारे में जो कि एनसीटी की वेबसाइट पे मौजूद है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पे दिया हुआ है कि जो ओडीएल मोड से बीएड होता है वो इग्नू से हो या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हो, जहाँ भी ओडीएल मोड से बीएड होता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें क्या क्या क्लैरिफिकेशन हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, लोग ये कहते हैं कि हमारे पास डिप्लोमा है टीचर एजुकेशन का और हमने फेस टू फेस मोड से कर रखा है, लेकिन हम किसी जॉब में नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में हम जो इग्नू का बीएड है या ओपन डिस्टेंस लर्निंग का बीएड है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें बहुत क्लियर सी बात है, आपने अगर ऑलरेडी डिप्लोमा कर रखा है किस चीज़ का, टीचर एजुकेशन का, और फेस टू फेस मोड से कर रखा है, उस केस में आप एलिजिबल हो जाते हैं, बशर्ते कि आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हों आपके, पीजी कर रखा है तो 55% मार्क्स हों आपके। और यहाँ पे ट्रेंड टीचर का मतलब है कि जिन्होंने एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर रखा है, फेस टू फेस मोड से कर रखा है, वो लोग इस प्रोग्राम यानी कि इग्नू के बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या जो लोग म्यूजिक टीचर हैं या फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो ओडीएल मोड से बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं? तो देखिए, म्यूजिक टीचर हों या फिजिकल एजुकेशन टीचर हों, वो सभी एलिजिबल हैं इग्नू बीएड प्रोग्राम के लिए, अगर जो एलिजिबिलिटी है यानी कि उन्होंने बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो और जो मिनिमम परसेंटाइल है 50% जो रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो प्रोग्राम है वो फेस टू फेस मोड से कर रखा है, तो वो बिल्कुल इग्नू बीएड के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि म्यूजिक वाले नहीं भर सकते, फिजिकल एजुकेशन वाले नहीं भर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बशर्ते वो जो एलिजिबिलिटी है उन्होंने बैचलर डिग्री कर रखा हो या मास्टर डिग्री कर रखा हो, और साथ ही साथ जो रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है एनसीटी के द्वारा फेस टू फेस मोड पे वो कर रखा हो, तो वो एलिजिबल हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि जो डीएलएड कर रखा है जिन कैंडिडेट्स ने, चाहे वो फेस टू फेस मोड से किया हो या ओपन डिस्टेंस से किया हो, वो क्या इग्नू के बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, खासतौर पर जिन्होंने अभी एनआईएस से डीएलएड किया है या कर रहे हैं, वो लोग अक्सर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं। देखिए, इसमें बहुत क्लियर सी बात है कि इन सर्विस टीचर जिन्होंने डीएलएड प्रोग्राम फेस टू फेस मोड से किया है वो बिल्कुल इग्नू बीएड के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन फेस टू फेस मोड से किया हो डिस्टेंस वाले इसमें एलिजिबल नहीं हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो उम्मीद करता हूँ इसका आपको जवाब मिल गया होगा। वेदर इन सर्विस टीचर हैविंग ए डीएड एसटीसी क्वालिफिकेशन कैन बी एनरोल्ड इन बीएड ओडीएल प्रोग्राम विदाउट हैविंग ए बैचलर डिग्री। तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि बिना बैचलर डिग्री के क्या जो लोग डीएड वगैरह कर रखे हैं वो इग्नू बीएड के लिए एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है ही है, साथ ही साथ जो टीचर एजुकेटर का प्रोग्राम है एनसीटी के द्वारा वो आपने फेस टू फेस मोड से कर रखा हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो लोग आर्मी में किसी स्कूल में टीचर हैं, क्या वो लोग इग्नू के बीएड के लिए एलिजिबल हैं या किसी भी ओडीएल बीएड के लिए एलिजिबल हैं? तो देखिए, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि उनके लिए कोई अलग रूल नहीं है, जो बाकी लोगों के लिए रूल है वही उनके लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि बैचलर या मास्टर डिग्री उनकी कंप्लीट होनी चाहिए जो निर्धारित परसेंटाइल है उसके साथ, और साथ ही साथ उनके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए और वो फेस टू फेस मोड के थ्रू एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया गया हो, और एज के बारे में भी कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं है जो आर्म्ड फोर्स पर्संस हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, उनका सलूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इग्नू बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों को रहा है, और बिल्कुल क्लियर सी बात है कि अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो पहली चीज़ कि आप या तो बैचलर हों या मास्टर डिग्री आपके पास हो, 50% कम से कम होना चाहिए बैचलर डिग्री में, पीजी में 55% होना चाहिए। फिर इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि आपने एनसीटीई के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, कौन कौन से प्रोग्राम है एनसीटी की साइट पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो आपने फेस टू फेस मोड से किया हो, ठीक है ना, उसी स्थिति में आप इग्नू के बीएड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा।